चल देख, ठीक है। इसके अंदर जो चैप्टर फर्स्ट है ना, इसके अंदर क्या क्या सीखना आपको, आपको सीखना है कि रेशनल नंबर जो होते हैं उनके बीच में कोई नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे आपको कह देंगे कि फाइंड फाइव रेशनल नंबर टू एंड थ्री, मतलब आपको टू और थ्री के बीच में कोई पांच रेशनल नंबर निकालना, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। या फिर ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि इरेशनल नंबर निकालो, ठीक है, ऐसे ही बना के यहां पर इरेशनल वर्ड डाल देंगे, एक इस टाइप का पैटर्न होगा। उसके बाद में अगर एक करें तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन, जैसे कहते हैं कि रूट टू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, रूट थ्री को करो, रूट फाइव को करो, ऐसे किसी को भी इरेशनल जो नंबर है ना उनको कोई नंबर लाइन पे, नंबर लाइन जैसे नहीं होती क्या कि यहाँ पे जीरो, इधर माइनस वन, माइनस टू, इधर वन टू, तो उसके ऊपर हमें बताना होगा कि यहाँ से इस जगह पे नंबर आएगा, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, ठीक है। उसके अलावा हमें क्लासिफिकेशन या क्लासिफाई करना होगा कि कौन सा नंबर रेशनल है एंड कौन सा नंबर इरेशनल है, ठीक है। उसके बाद में एक करना होता है ये P by Q फॉर्म जो होता है ना, ये वाला, ठीक है, P by Q फॉर्म करनी होती है, ओके। उसके बाद में एक करना होता है आपको, कितनी हो गई, एक्सपोनेंट पावर के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो वाले, एक करना होता है आपको एड सब्ट्रैक्ट वगैरह बोल देंगे, मल्टीप्लाई बोल देंगे, इरेशनल नंबर जैसे कह दिए कि रूट टू प्लस फाइव रूट टू, क्या आंसर आएगा। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन उसका आंसर आएगा सिक्स रूट टू, है ना। एक मान लो आपको कह दिए कि फाइव रूट टू इंटू थ्री रूट टू, इसका आंसर क्या आएगा, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्टी। तो ये चीजें हमें सीखनी है कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, ये सब, और इसके अलावा ये सब कुछ। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ पी बाई क्यू फॉर्म, कि किसी भी नंबर को पी बाई क्यू में कैसे लिखा जाता है, ठीक है, एक पैटर्न ही सीख लो, उसके बाद धीरे धीरे सारे पैटर्न सिखाएंगे, फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, ओके। देखो सबसे पहले हमें इसमें क्वेश्चन कैसे मिलते हैं वो समझना। नंबर एक, एक्स इज इक्वल टू मान लो आपको दे दिया 0.3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, ऐसे डॉट डॉट करके दे रहा है, तो हम इस 3 को कितनी बार लिख रहे हैं, इसका मतलब इन्फिनिटी टाइम, कभी रुकेगा ही नहीं, स्टॉप ही नहीं होगा, है ना। तो ऐसे में आप इसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू 0.3 और उसके ऊपर एक ऐसे लाइन मार दो जिसको बार रीड करते हैं, 0.3 बार, इट मींस कितनी बार लिखा जाएगा, इन्फिनिट टाइम तक। अगर मान लो इसको ऐसे लिखूं x इज इक्वल टू 0.3215 और 15 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि 0.32 तो लिखेंगे लेकिन बार किस किस पे है, तो इट मींस अपन 15 15 15 को ही रिपीट करेंगे, 32 को नहीं करेंगे, क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद में हमें इनका आंसर निकालना है पी बाय क्यू फॉर्म में, पी बाय क्यू फॉर्म मतलब ऊपर न्यूमिनेटर और नीचे कौन हो, डिनोमिनेटर। तो देखो इसको किया कैसे जाता है, सबसे पहले आप इसको क्या करो, एक नंबर इक्वेशन मान लो, फर्स्ट नंबर इक्वेशन जो गिवन करे उसे कौन सी इक्वेशन मान लिया करो, फर्स्ट मान लिया। अब इसमें पॉइंट के इधर की ऐसे कितने डिजिट है पता नहीं, लेकिन डिफरेंट है या सेम है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये ले लिया मैंने साथ में, x इज इक्वल टू 0.32323232 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू, ये क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 0.32 बार लिख सकता हूँ ना, जब इसे क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 0.3 लिख सकता हूँ ना। इसमें कितनों नंबर है जो जिन पे बार लगा हुआ है, इसमें दो, तो यानी कि इस क्वेश्चन को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे, 10 से, जबकि इसे किससे करना पड़ेगा, कितने डिजिट है, दो डिजिट, यानी दो जीरो वाला नंबर क्या होता है, 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है। जैसे कि यहां पे लिखता हूं बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय 10, इसको 10 से क्यों किया मैंने, एक ही नंबर पे बार है, ठीक है, तो यहां पर मैं इसको 10 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आएगा, 10x, और इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कराऊं, एक बात समझना, जैसे कि ये कोई नंबर है 10 इंटू
0.2, तो इसका पॉइंट डालकर और मैं इसके नीचे 10 कर सकता हूँ ना, और 10 से 10 कट गया तो सिंपल क्या आ गया, 2 आ गया। एक नंबर है जैसे मान लो 0.25 और इंटू में 10 से इंटू कर रहा हूँ, यानी इसका पॉइंट डाल के नीचे क्या कर सकता हूँ, 10। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो इट मीन्स 2 जीरो लगेंगे, कितने लगेंगे, 2, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ऐसे में ऊपर क्या बचा ओनली 25 और नीचे क्या बचा 10। अब इसका पॉइंट डाल के इसमें 2.5 नहीं ले सकता, तो मुझे एक बात समझ में आई यहाँ पर कि अगर मैं 10 को 0.25 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो इसमें अगर 1 जीरो तो ये पॉइंट इधर खिसक के इधर आ जाता है, ये बात समझ में आई, यानी कि आप इसे 2.5 लिख सकते हो। तो इट मीन्स अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, यानी कि 10 मल्टीप्लाई में मान लो या ब्रैकेट में ले लो या इनटू में ले लो जैसे भी 0.3333 डॉट डॉट है, अगर आप इस 10 के अंदर कितनी जीरो है इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये पॉइंट यहां से खिसक के कहां जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो 10x बन जाएगा और ये क्या बन गया, इधर चला गया तो 3 हो गई और आगे पॉइंट बढ़ गया 3.33 लिख सकता हूं ना, या नहीं लिख सकता, कितनी बार 3 लिखूं, बार लगा दो, बार नहीं को एक बार रख लिया करो, ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करें उस दौरान सारे को वो करेंगे। अब देखो कितनी बार लिख सकता हूं मैं इसको, कितनी बार भी लिख सकता हूं मेरी चॉइस में, लेकिन मैं हमेशा कितनी बार लिखूंगा, जितनी बार फर्स्ट इक्वेशन में होती है ना ये 3 उतनी बार, वैसे लिख तो मैं कितनी बार भी सकता हूं, मैंने कितनी बार लिख दिया 4 और ऊपर कितनी बार था 4, समझ में आ रहा है, यानी ये कैसे बना ये पता लग गया, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2 वो फर्स्ट और ये सेकंड, हमेशा इसके बाद जब ये पता लग जाएगा इसके पॉइंट के इधर जो डिजिट है, सिर्फ हमें यही ध्यान देना है कि पॉइंट के इधर जो डिजिट है क्या इसमें भी वो डिजिट सेम है क्या, दोनों में सेम है ना, पॉइंट के इधर क्या उसको जाने दो, इधर वाला सेम है ना, अब दोनों को माइनस कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो इसमें ये कौन है लेफ्ट हैंड साइड में 10x लिख दो, इधर से कौन है लेफ्ट हैंड साइड में x, माइनस x कर दो क्योंकि माइनस करने की बात करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं अपन, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहां लिख देना सब्ट्रैक्टिंग इक्वल टू में ये कौन है, इसका ये नंबर कौन है 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ये है ना, ब्रैकेट में ले लो इसे और माइनस इसका ये हिस्सा लिखो, क्या लिखूं ब्रैकेट में 0.3333 डॉट 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 लिखूंगा ना, एक बार रफ वर्क में लेके चलता हूं, देखो 10x में से x माइनस करूं क्या आएगा 9x, क्योंकि ये 10x और ये 1x है तो कितना बचता है 9x बचेगा ना। अब ये जो नंबर है इस नंबर को रफ में लिख लो, इस नंबर को बोलो यहाँ पे रफ वर्क करता हूं मैं, ठीक है, क्या नंबर बोलना 3.3333 डॉट डॉट डॉट, इस नंबर के अंदर जहां पॉइंट है उस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, इधर कौन है इस पॉइंट के 0 लगा दो, उधर कौन है 4 3, तो 3-4 टाइम्स लिख दिया, आगे डॉट डॉट वो लिख दिया, यानी ये सारे डॉट 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 हो जाएंगे, ये 3 से 3 कैंसिल होगा 0, ये 3 से 3 कैंसिल होगा 0, ये कैंसिल होगा 0, ये कैंसिल होगा 0, पॉइंट आ गया, और यहां 3 में से 0 माइनस करो तो यहां 0 माइनस करो तो कितना बचा 3, तो एक्चुअल में क्या बन क्या रहा आंसर ओनली 3 द्वारा है, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, इन दोनों को माइनस करने पे 3 आ रहा है, क्योंकि हमें एक ऐसा ही नंबर लाना था कि दोनों ब्रैकेट वाले सेम हो जाएं ताकि वो दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, आगे का नंबर बच जाएगा, समझ रहे हो, और इधर क्या है 9x, इस 9 का और x का क्या रिलेशन है, उधर भेज दें तो डिवाइड, यानी x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 9 लिख सकता हूं, 3 की टर्म्स दोनों कैंसिल हो रहे हैं, क्या आ गया 1 ऊपर और 3 नीचे, यही आपका आंसर है 1/3, क्लियर है, इसको करके दिखाता हूं, देखो ठीक है, ये देखना, इसको मुझे ये बताओ, इसको नंबर 1 इक्वेशन दे दी, मल्टीप्लाई किससे करूं, मल्टीप्लाई 100 से, जैसे इसको किससे किया था 10 से, तो इसमें आपने कहा कि जितने में बार उतने पे होगा ना, तो मैं लिख देता हूं बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाय 100, अब 100 से करूंगा तो यहां से पॉइंट हटके यहां जाएगा, है ना, यहां से पॉइंट खिसक के कितने डिजिट उधर जाएगा 2, यहां आएगा, है ना, तो इधर वाले के साथ करूं तो क्या आया 100x, क्या आया 100x, और इधर वाले के साथ किया तो इसको क्या लिख दूं, पहले 32 लिख दूं, जैसे इसमें क्या लिख दिया था पहले 3, जो नंबर सेम चल रहा था वही तो लिखा था,
और इधर से ये क्या आ जाएगा पॉइंट 32 है ना, 32 कितनी बार लिख दूं, जितनी बार ऊपर लिखा होता उतनी बार, ताकि वो जीरो करके दिखा दें, आगे डॉट डॉट करके छोड़ दें इक्वेशन नंबर। अब क्या करो, सब्ट्रैक्टिंग, तो यहां लिख देता हूं सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है। अब इसका ये हिस्सा कौन सा, जैसे इसका लिया था ना अपन ने लेफ्ट हैंड साइड 10 लिखा था, तो इसका क्या लिखूं 100x लिख दिया, माइनस इसका क्या लिखा था ऊपर वाले का 1x, तो इसका क्या लिखूं 1x इज इक्वल टू, में इसका ये नंबर बोलो क्या है ब्रैकेट में 32 डॉट डॉट डॉट, माइनस उसका भी बोलो ब्रैकेट में आ जाएगा 0.32 डॉट डॉट आएगा ना। अब इनको देखो 100 में से 1x माइनस करो क्या आता है हमेशा 99x, वेरी गुड, इज इक्वल टू ये माइनस करने हैं, तो इस नंबर को लिख लो रफ वर्क में पहले 32.32 कितनी बार है, कितनी बार था 6 टाइम, इसको लिखवाओ पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, इधर क्या है पॉइंट के जीरो, यहां लिख दो आगे 32 है ये, तो ये सारा तो जीरो ही हो जाएगा कैंसिल होके, इधर क्या बचा ओनली 32 को लिख देंगे पॉइंट के, उधर जीरो कोई फर्क पड़ता नहीं, यहां लिख दिया मैंने। अब इसको कर दिया इरेज, अब ये बताओ कि इसका इसका क्या रिलेशन है दोनों का, उधर चला जाए तो एक्स इज इक्वल टू 32/99 यही होगा फाइनली आपका आंसर। अब ये पी बाई क्यू फॉर्म में है क्या, पी की वैल्यू कौन है 32 और क्यू की वैल्यू 99, इसमें भी पी की वैल्यू 1 और 3 है ना, तो यही हमें इस क्वेश्चन को सिंपल करके दिखाना होता है, समझ में आया कुछ या नहीं आया। तो अगर मैं मान लो आपको ये क्वेश्चन दूं, 5 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, उनको p by q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है x is equal to 0.75, दूसरा है x is equal to बार इसके ऊपर 0.9 बार, x is equal to 0.251 बार, x is equal to 0.52 बार और x is equal to 0.8 बार, ये 5 क्वेश्चन कर दोगे एक बार, इनको सॉल्व करो, ठीक है, ये 5 की 5 उसके बाद आगे बताता हूँ।